हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये वाला फ़ोटो एडिट करके। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ ये वाला फ़ोटो एडिट करने वाले हैं हम। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितना गंदा सा लग रहा है ये फ़ोटो। इसमें ब्लैक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, काला मॉडल हमारा काला है इसमें। तो गाइस, मैं इसको एक नंबर एडिट करके दिखाऊँगा आपको फ़ोटो। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं ये वाला कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, एंड गाइस वीडियो को बीच बीच में स्किप मत करना। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो मेरे चैनल पे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले इसको शेयर कर लेना हमें लाइटरूम ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ से शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हम लोग लाइटरूम ऐप के अंदर आ चुके हैं। आपको वहाँ से फ़ोटो को टैप कर देना है। तो गाइस, हम लाइटरूम ऐप की एडिटिंग के अंदर आ जाएंगे। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एडिटिंग। सबसे पहले हम अपना बेसिक लाइट करेक्शन करेंगे। यहाँ से लाइट थोड़ा सा ब्लैक हो रहा है, तो यहाँ से हम सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद गाइस, यहाँ पर हाईलाइट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो हम हल्का सा कम कर लेंगे हाईलाइट्स को। तो गाइस, हाईलाइट्स को कर लेना -72। इसके बाद हम शेडोज़ देख लेते हैं। शेडोज़ को गाइस हम बढ़ा लेंगे, बढ़ा लेना है 60 के आसपास कर लेना। उसके बाद गाइस, हम वाइट्स को हल्का सा कम रखेंगे एंड ब्लैक्स को कम रख लेना है। तो गाइस, हमारा ब्लैक्स को कम रखने से कॉन्ट्रास्ट वहीं के वहीं आ जाएगा। इसके बाद शेडोज़ हल्का सा और बढ़ा लेना है, फुल कर देना है शेडोज़ को। इसके बाद गाइस, आ जाते हैं हम अपने कलर पैनल पर। तो गाइस, इसका वाइब्रेंस बढ़ा लेंगे हम सबसे पहले एंड गाइस, सैचुरेशन हल्का सा माइनस कर लेना है। इतना कर देने के बाद गाइस, हम यहाँ से टेम्परेचर देख लेंगे। टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा लेंगे, 2% के आसपास बढ़ा लेना है। यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, 2% के आसपास रख लिया हूँ। तो गाइस, इतना कर देने के बाद हम आ जाते हैं अपने मिक्स कलर पर। इसके बाद हम आते हैं रेड कलर पर। रेड कलर का फुल सैचुरेशन बढ़ा लेना, फिर देखेंगे हम जो भी से ह्यू को चेंज करके चेक कर लेना हमें जो कलर सेट हो रहा हो, अच्छा लग रहा हो, वही कर देना आप लोग। तो गाइस, यहाँ से मैं ज़्यादा छेड़ूंगा नहीं, हल्का सैचुरेशन कम कर दिया है। उसके बाद ऑरेंज कलर का ल्यूमिनेंस को हमें बढ़ा लेना है एंड सैचुरेशन को हल्का सा कम रखना है। तो गाइस, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट कलर पर। यहाँ से ह्यू, इसके ह्यू को -100 रख देना है, येलो कलर के ह्यू को। और इसके सैचुरेशन को हम बढ़ा लेंगे हल्का सा एंड ल्यूमिनेंस को हम -5 के आसपास रख लेना है। उसके बाद हम आते हैं ग्रीन कलर पर। ग्रीन का 100 कर देना है ह्यू को एंड सैचुरेशन को बढ़ा लेना है एंड ल्यूमिनेंस को हम हल्का सा माइनस रखेंगे, -10 के आसपास। तो गाइस, ऐसे ही हम सेकंड कलर पर आ जाएंगे अपने नेक्स्ट कलर पर। इसकी सैचुरेशन बढ़ाकर हम देख लेंगे ह्यू जो भी मैच कर रहा हो हमारे फ़ोटो में वो रख लेना है। यहाँ से मैंने -38 ह्यू रख लिया है एंड सैचुरेशन 100%। एंड गाइस, नेक्स्ट कलर पर आते हैं, इसके ह्यू को -100 कर लेना है, इसकी ल्यूमिनेंस को -8 रख लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट कलर पर आते हैं, इन दोनों का सैचुरेशन हमें माइनस कर देना है दोनों कलर्स का। इसके बाद डन कर देते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी बेसिक कलर करेक्शन। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लेकर चलते हैं इसको पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। तो गाइस, मैं यहाँ से पिक्सआर्ट ऐप के अंदर चले जाता हूँ। लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर। इसका फेस को सही करेंगे हम, यहाँ से पिंपल्स वगैरह हटा लेंगे यहाँ से। इतना कर इसको लिए हमें जाना होगा ब्यूटी वाले ऑप्शन पर। इसके बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से फेस फिक्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से, और इसको कर देना मैनुअल ब्रश सिलेक्ट कर लेना है। ब्रश सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको फेस पर कर देना है। कुछ स्टेप से मैं कर देता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैं इतना कर चुका हूँ। इतना कर देने के बाद यहाँ से डन कर देना है। इसके बाद गाइस, हम इसको स्मूथ करेंगे। यहाँ से स्मूथ वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके बाद ब्रश सेलेक्ट कर लेना हमें। ब्रश सेलेक्ट करने के बाद आप साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसको पूरे फेस पर कर देना है आपको, जैसे कि मैं कर देता हूँ। कुछ स्टेप से कर देना हमें स्मूथ कर देना है। इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ से कैपेसिटी को भी बढ़ा लेना है एंड साइज को भी हम बढ़ा लेंगे। तो गाइस, इस टाइप से पूरे फेस पर कर देना है हमें, जैसे कि मैं कर देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं इतना कर चुका हूँ। इतना कर देने के बाद डन कर देना है। यहाँ से डन कर देने के बाद हम आ जाएंगे टूल्स के अंदर। इसको व्हाइटनिंग करेंगे इसके फेस को। तो गाइस, यहाँ से टूल्स के अंदर चले जाना है। इतना कर देने के बाद एडजस्ट में चले जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद हम ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, कुछ स्टेप से बढ़ा लेना और इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना ऊपर, सबसे ऊपर, एंड ब्रश सेलेक्ट कर लेना। आप ब्रश की सेटिंग देख सकते हैं एंड साइज़ अपने हिसाब से रख लेना आपको।
जो भी आपको साइज रखना हो आप सेटिंग देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से कर देना हमें अपने फेस पर। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग आराम आराम से करना बिल्कुल बारीकी से। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं कर चुका हूँ यहाँ से, उसकी ब्राइटनेस को कम कर देना। राइट करने के बाद ब्राइटनेस कम करने के बाद गाइस हमारा थोड़ा सा वाइटनिंग हो चुका है। आगे की वाइटनिंग हम लाइटरूम ऐप के अंदर कर लेंगे। यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर जाने के बाद हम इमेज को सेव कर लेंगे, सेव इमेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम दोबारा इसको लाइटरूम के अंदर ले जाएंगे फाइनल रिटचिंग करने के लिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं ले आया हूँ इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर। तो गाइस यहाँ से हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं इस फोटो को, कलर करेक्शन करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें लाइट को थोड़ा सा और करेक्ट कर लेना है, यहाँ से हाइलाइट्स को कम कर लेना है। उसके बाद शेडोज़ को हम बढ़ा लेंगे और ब्लैक्स को हल्का सा कम कर देना है जिससे कि हमारा कॉन्ट्रास्ट वापस आ जाए। इतना कर देने के बाद अब हम कलर करेक्शन करने वाले हैं। इसके बाद कलर पर चले जाना है, कलर पैनल पर वाइब्रेंस को हम बढ़ा लेंगे सबसे पहले। वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर देना। उसके बाद हम आ जाएंगे मिक्स कलर पर, मिक्स के ऑरेंज कलर के लुमिनेंस को हमें बढ़ा लेना है। एंड इसके बाद हल्का सा सैचुरेशन माइनस रखूँगा मैं, और इसके बाद ह्यू को भी देख लेता हूँ मैं चेंज करके कैसा लग रहा है। तो मुझे माइनस में थोड़ा सही लग रहा है, सैचुरेशन को मैं माइनस कर दूँगा। इसके बाद मैं येल्लो कलर के ह्यू को भी -100 रखूँगा, उसका सैचुरेशन हल्का सा बढ़ा देना है। इसके बाद लुमिनेंस को भी बढ़ा लेंगे। उसके बाद आते हैं हम ग्रीन कलर पर, हरे कलर की ह्यू को -100 रख लेना है एंड सैचुरेशन बढ़ा लेंगे और ह्यू इसके लुमिनेंस को भी बढ़ा लेना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कलर पर, इसका सैचुरेशन बढ़ा लेंगे और ह्यू को चेक कर लेंगे कौन सा सही लग रहा है हमारे फ़ोटो पर। तो मुझे इस टाइप से सही लग रहा है, थोड़ा सा 15% सही लग रहा है। तो इसके लुमिनेंस को हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कलर पर, इसके ह्यू को हमें माइनस में ही रखना है हल्का सा। एंड नेक्स्ट कलर के दो सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड इतना कर देने के बाद गाइस हमें यहाँ से रेड कलर का सैचुरेशन हल्का सा कम कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना। इसके बाद डन कर देना है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्लैरिटी हम बढ़ाएंगे, इसमें शार्पनेस वगैरह डालेंगे। तो इसके लिए हमें चले जाना है इफेक्ट पैनल पर, क्लैरिटी को हल्का सा बढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसके बाद हम यहाँ से विग्नेट को हम कम कर लेंगे। तो गाइस मैं इतना रख देता हूँ। इतना कर देने के बाद हम यहाँ से गेन अमाउंट को भी बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, गेन अमाउंट को रखूँगा मैं 2%। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट कलर पर, इसकी शार्पनिंग को हम बढ़ा लेंगे फुल। एंड मास्किंग को कर देंगे हम, थोड़ा सा मास्किंग बढ़ा लेना है। तो गाइस मैं मास्किंग रखूँगा 90 के आसपास। इसके बाद गाइस थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन को भी कम कर देंगे हम, थोड़ा सा नॉइस रिडक्शन को रख लेना 13। एंड कलर नॉइस रिडक्शन को भी हमें 26 के आसपास रख देना है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाते हैं हम, इसके दोनों ऑप्शन ऑन कर देना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारा फोटो बिल्कुल अमेजिंग सा एडिट हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आ गई और ऐसी वीडियो चाहिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।